दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश महंगाई भत्ता के बारे में। उससे पहले दोस्तों, कुछ अपडेट्स हैं, आप जान लीजिए कि कई सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने रिसेंट में ही अपना महंगाई भत्ता इंक्रीज किया है, इंक्लूडिंग तेलंगाना एंड अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार का जो DNS अलाउंसेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के समान है, साथ ही साथ पे रिवाइज भी किया है फॉर देयर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो आप उनकी हिमाचल प्रदेश की फाइनेंस की वेबसाइट पे आप जाके ऑफिशियल देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर और देखा जाए तो AICPN रिपोर्ट का जो दिसंबर 2021 का डेटा है फाइनल हुआ ना बकाया है, 3 से 4 दिन के अंदर वो आपके सामने डेटा रहेगा। उससे 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही एक बार फिर से DA इंक्रीज हो जाएगा फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड जो अदर स्टेट्स हैं। देखिएगा, कोई भी सरकार अपने से DNS अलाउंसेस नहीं बढ़ा सकती, उसके पास कोई डेटा होना ज़रूरी है। तो AICPN रिपोर्ट जो है वो यही डेटा पब्लिश कराती है, ये स्टैटिस्टिक्स सामने रखती है जिसके आधार पर DNS अलाउंसेस इंक्रीज हुआ करता है। तो विल देखिएगा, एक हफ्ते के अंदर ही दिसंबर 2021 का डेटा आ जाएगा और जो पेंडिंग 6 महीने का है तो वो एक साथ हम मान सकते हैं कि DNS अलाउंसेस आपका इंक्रीज हो जाएगा। एंड उम्मीद जताई जा रही है कहीं ना कहीं एट लीस्ट अगर अभी तक का देखा जाए तो 34% आपका महंगाई भत्ता बढ़ चुका है, दैट में भी 35% और 36% भी। तो ये है ओवरऑल सिनारियो। एंड इसके अलावा अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो उनका भी काफ़ी कम है। मैं कुछ दिन पहले वीडियो लाया था और उन्होंने दावा भी किया था कि वो ऑनलाइन प्रोटेस्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर हम आज ही अभी की बात करें तो कार्यालय में आंख में काली पट्टी बांध कर कहीं ना कहीं विरोध जताने का कार्यक्रम भी रखे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ छत्तीसगढ़ अभी ऑनलाइन प्रोटेस्ट को उतना हद तक नहीं ले जा पाए हैं, कहीं ना कहीं एक रूपता नहीं रही है, फिर पूर्व निर्धारण नहीं रहा है इस प्रोटेस्ट का। तो देखिएगा, बात यही है कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं आप मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, और ख़ासकर अगर हम बोले मध्य प्रदेश का, यहाँ हम सेंट्रल से कितना ज़्यादा परसेंटेज पीछे हैं इंडियनस अलाउंसेस एज वेल एज HRA वगैरह और जितने भी पक्ष हैं, हमें कोई पक्ष नहीं मिलता। बल्कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ मध्य प्रदेश हैं उनको ये ख्याल रखना पड़ता है कि उनको जो सैलरी मिली है कहीं कोई नया नियम के तहत तो उनसे छीन ना लिया जाए, कट ना कर दिया जाए। तो यहाँ ऐसा भी होता है। तो देखिएगा, बात यही है, ये पूरा का पूरा जितना माजरा है पूरा इलेक्शंस का माजरा है। मैं स्क्रीन पे फ्लैश करा रहा हूँ कहाँ कहाँ इलेक्शंस कब कब हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों, आप ये भी देखिएगा, ये COVID-19 का है, पिछले 1 महीने का जो डेटा है, जो केसेस हैं, दैट आर इंक्रीजिंग एंड ड्यू टू इलेक्शंस राइट नाउ, मतलब आगे अगले महीने से ही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं टेस्टिंग उतना इफ़िशियंट तरीके से ना हो पा रही होगी, जिसके लिए अब एक माहौल फिर से बनाया जा रहा है कि अब COVID-19 केसेस कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं। एंड अगर देखा जाए जहाँ जहाँ पे इलेक्शंस हैं जिन स्टेट्स में इन फ्यूचर, तो वहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो उनकी पूर्व लंबित मांगे हैं सभी का निराकरण जल्द हो रहा है और मध्य प्रदेश में 2023 में है। तो आप मान सकते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं लटका के रख रही है, हमारा लाखों का DA मारा गया, हमारा जो हक है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ मध्य प्रदेश हैं उनका DA का एरियर्स कितना मारा गया, उनका DA टाइम नहीं दिया गया, सेंट्रल से कितना कम है वो। तो कहीं ना कहीं एरियर भी अगर बनता है तो ज़्यादा ही बनेगा, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बकाया स्टेट्स भी DA का एरियर अब प्रोवाइड करेंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब सोचना चाहिए कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सहनशीलता की पराकाष्ठा है, अब उनसे सहा नहीं जा रहा, इसीलिए अब जल्द से जल्द जैसे ही AICPN रिपोर्ट दिसंबर 2021 का आता है तो एक मोस्ट लाइक 35% मध्य प्रदेश सरकार का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का DA कर दें एंड साथ ही साथ जो एरियर्स हैं बकाया का उसे भी इंस्टॉलमेंट में अब देने का प्रयास करें, इसी उम्मीद के साथ कि गवर्नमेंट हमारा महंगाई भत्ता जल्दी इंक्रीज करेगी एज वेल एज एरियर भी प्रोवाइड करेगी। अपना संबंध देगा दोस्तों, धन्यवाद।